नमस्कार दोस्तों, परसों की दुखद घटना के बाद मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन जैसे इश्यूज एक बार फिर से पब्लिक लाइमलाइट में है। शायद अब लोग रियलाइज कर रहे हैं कि ये इश्यूज कितने जरूरी हैं, जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं करी जाती हमारे देश में। मुझे लगता है दोस्तों, ये सही टाइम होगा इन इश्यूज को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत सी मिथ्स, मिसकंसेप्शन और मिस इन्फॉर्मेशन है डिप्रेशन के रिगार्डिंग। इसीलिए दोस्तों, मैंने बात करी आज के वीडियो के लिए एक न्यूरोलॉजिस्ट और एक डॉक्टर सुमाया शेख से, जो हमें बताएंगी गहराई से डिप्रेशन क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है और क्या सबसे कॉमन मिथ्स हैं डिप्रेशन के अराउंड, जो हम अपनी आसपास फ्रेंड्स और फैमिलीज में सुनते हैं इसके रिगार्डिंग। आइए देखते हैं। तो डॉक्टर सुमाया, मैं पहला सवाल मेरा ये होगा कि जो बहुत से लोगों के दिमाग में आता है, किसी के पास इतना पैसा हो, इतना फेम हो, इतना पैसा कि चाहे जो चाहे इंसान वो कर सकता है, लेकिन वो इंसान भी डिप्रेस्ड हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? जी, तो पैसा होना इंडिया के अंदर स्पेशली ऐसा माना जाता है कि वो इंसान बहुत खुश है, तो प्रॉब्ली ये कहा जाएगा कि उसके पास सब कुछ है और वो हर लिहाज से खुश है, फिर भी उसे डिप्रेशन कैसे हो गया। इसी वजह से इसे जो डिप्रेशन है एक डिसीज की तरह हम मानते हैं, या एक डिसीज का मैनिफेस्टेशन है। आपको बहुत सारी चीजों से डिप्रेशन हो सकता है और एक उनमें से एक सस्टेन्ड स्ट्रेस है, जो बहुत लंबे अरसे के लिए आप स्ट्रेस में रहें उसके वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है, पर वो अकेला कारण नहीं है। स्ट्रेस अकेला कारण नहीं है डिप्रेशन होने का। काफी ज्यादा लोग स्ट्रेस होने के बावजूद भी डिप्रेस नहीं होते, और कई सारे लोग स्ट्रेस ना होने के बावजूद भी डिप्रेस हो जाते हैं, इसी वजह से कि ये एक बायोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है, जो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के जो जीन्स हैं या प्रोटीन्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में एक माइक्रो मोलेक्युलर लेवल पे इतनी सारी एक्टिविटी होती है, इनका जो कॉम्बिनेशन है, इन सब की एक्टिविटी जो एक साथ होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डिप्रेशन होगा या नहीं। और उसके बाद इन सारी एक्टिविटी को जब एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रख दिया जाए, जैसे कि बहुत हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट है, बहुत लंबे पीरियड के लिए है, तो ज्यादातर लोगों को डिप्रेशन हो सकता है। पर ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं और फिर भी डिप्रेशन हुआ है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं, जिसको तो मदर्स जो बर्थ देती है उसके बाद, फौरन बर्थ के बाद, अभी अभी उन्होंने प्रेगनेंसी खत्म की है, बेबी हेल्दी है, सब कुछ लाइफ में ठीक चल रहा है, दे वांटेड एग्जैक्टली दैट, उसके बावजूद पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत सारी विमेन को ये होता है। तो उसमें क्या है, एक हॉर्मोन्स का एक जो स्टेट होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि एकदम से आपके हॉर्मोन्स में चेंज आ जाता है बेबी के डिलीवरी के बिल्कुल बाद। तो उस वजह से डिप्रेशन में कई सारी औरतें आ जाती हैं, सबको नहीं होता है, कुछ को होता है, बहुत सारी औरतों को होता है, और उसे रिकग्नाइज भी नहीं किया जाता, क्योंकि सबको लगता है कि उनकी लाइफ में तो कुछ बुरा नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, उन्हें तो खुश होना चाहिए, और फिर भी वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो और ये बहुत बेसिकली आप अच्छा ये कह रहे एग्जाम्पल हो कि ये चीज हार्मोनल चेंजेस से हो रही है, अंदर से इंट्रिंसिकली होने लग रही है ये चीज, जी, और बिल्कुल। बाहर से हमेशा कोई रिलेशन नहीं होता इसका, मैं जरूरी नहीं कि होता बाहर है से इफेक्टिव। जी होता है एक हाँ एनवायरनमेंट का रिलेशन, एक एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट होता है हमारी बायोलॉजी पे, और अच्छा ये एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट और बायोलॉजी साथ डिटरमिन करती हैं कि आपको डिप्रेशन होगा या नहीं। सिर्फ डिप्रेशन ही नहीं, ऐसी बहुत सारी मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं, स्किज़ोफ्रेनिया है, और ऑटिज्म है, ऑटिज्म खैर एनवायरनमेंट पे कम होता है, और बहुत सारी जेनेटिक्स का ज्यादा उस पे इम्पैक्ट है, पर ये सारी जो चीजें हैं उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स और दोनों इन से जनरल मिलकर होता फिजियोलॉजी है। कहूंगी, हॉर्मोन्स वगैरह, उन सबका इंटरेक्शन होता है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, ये सारी चीजें मिला के ये डिसीज बनती है, ना कि सिर्फ साइकोलॉजिकल है, जो लोगों को लगता है कि ये पर स्ट्रेस है जो तो। बायोलॉजिकल फैक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कई लोग जो एक्सट्रीम स्ट्रेस से गुजरते हो, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंप्लीटली अगेंस्ट हो, फिर भी वो डिप्रेस नहीं फील करते कभी। एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल होता है, पर इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि एक पॉपुलेशन को आपने परपेचुअली स्ट्रेस में रखा है एक लंबे पीरियड के लिए, जैसे फेमिन आते हैं या वर्ल्ड वॉर जब हुई थी तो बहुत सारे लोग एक साथ मेंटल हेल्थ का शिकार हो गए थे, तो ये कई बार ट्रिगर भी कर देती है उसको चीजें, पर डिपेंड करता है किस किस लेवल का स्ट्रेस है या कितना एक्सटेंसिव है और कितने टाइम के लिए वो स्ट्रेस चला है।
लो मूड और खराब मूड हो या बुरा फील कर रहे हो, इसको कैसे डिफरेंशिएट करें डिप्रेशन से? तो जो लो मूड होता है वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है. जितनी जल्दी आपका मूड लो होगा उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा. प्रोबेबली एक दिन दो दिन, ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन चलेगा वो. डिप्रेशन में क्या होता है, कई कई दिनों तक आपका कभी कभार रीजन से या कभी कभार बिना रीजन के ही एक स्विंग आता है कि अभी आपका लो मूड हुआ है, बाद में हाई मूड हुआ है. स्पेशली एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है बाइपोलर डिसऑर्डर, उसमें तो बहुत फ्लक्चुएशन होते हैं. बिल्कुल हाई फंक्शनैलिटी होती है जिसमें आपका मूड बहुत अच्छा है, और बिल्कुल लो फंक्शनैलिटी भी होती है. तो वैसे डिप्रेशन है, उसमें जो लो फंक्शनैलिटी है वो काफी लंबे पीरियड तक चलती है, कई बार कई हफ्तों तक चलती है, और वो उससे बाहर निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है. तो देखें, डिप्रेशन हम क्लासिफाई करते हैं लो, मॉडरेट टू सिवियर. अब उसमें हर स्टेज के अलग अलग ट्रीटमेंट मेथड्स होते हैं. और ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो अक्सर जो मोस्ट कॉमनली सुनने को मिलती है कि क्या ट्रीटमेंट हो सकती है डिप्रेशन की, सदगुरु की तरफ से हो, चाहे श्री श्री रविशंकर की तरफ से हो, चाहे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ खुद ही हो. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ट्वीट है कि डिप्रेशन से कैसे बचना है, फॉलो अ रूटीन, ट्रैवल, बी क्रिएटिव, थिंक पॉजिटिव, प्रैक्टिस योगा. तो क्या ये सॉल्यूशंस हैं माइल्ड डिप्रेशन के, या फिर ये एब्सोल्युटली कोई हेल्प नहीं करते? नहीं, आई मीन हेल्प करते हैं, जरूर करते हैं. जिनको हेल्प करेंगे उन्हें बिल्कुल करना चाहिए. पर डिप्रेशन की प्रॉब्लम ही यही है कि आप ये सब नहीं कर पाते हो. आप इतने डेबिलिटेटिंग फील करते हो, आप इतने हेल्पलेस फील करते हो कि आपको मन करेगा योगा करने का या ट्रैवल करने का, और आप नहीं कर पाओगे. तो माइल्ड डिप्रेशन के अंदर ये सारी चीजें बिल्कुल आपको खुश रख सकती है, आपका मूड एलिवेट कर सकती है थोड़ी देर के लिए. पर ये लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप जब तक उसके कोर प्रॉब्लम्स को, उसके हम जिसे कहते हैं न्यूरल मैकेनिज्म्स जो होते हैं, उनको एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें नॉर्मलाइज नहीं हो सकती. साइकोलॉजी से जरूर एड्रेस की जा सकती है, पर ये सारे माइल्डर वर्जन है. और हमें अभी ये भी नहीं पता कि जो लोग क्लेम करते हैं कि ये सारी चीजों से वो ठीक हो गए, उन्हें एक्चुअली में भी डिप्रेशन था या नहीं. तो जब हम इंसिडेंसेस देखते हैं, सिंगल केसेस देखते हैं कि इन इंसान को डिप्रेशन था और ये ठीक हो गए, हमें नहीं पता कि उन्हें करेक्टली डायग्नोस किया गया था या नहीं. ऐसे ऐसे डिप्रेशन के सिम्टम्स बहुत सारे दूसरे डिसीजेस के साथ भी ओवरलैप करते हैं, जैसे PTSD है, जैसे एंग्जाइटी है, और ये सारी चीजें, बाइपोलर डिसऑर्डर है फॉर एग्जाम्पल. तो हमें देखना चाहिए कि उनको करेक्ट डायग्नोसिस हुआ था, उनके मैकेनिज्म्स क्या हैं, उनके रूट कॉजेस क्या है, और उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट प्लान क्या होना चाहिए. ये नहीं कि सबको योगा में डाल दो, सबको ट्रैवल करवा दो. सबके अलग अलग कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट होनी चाहिए. अच्छा, लेकिन अगर इन जनरल हम बात करें तो माइल्ड डिप्रेशन के लिए ये ठीक है, मीडियम डिप्रेशन के लिए साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना ठीक है, और सिवियर के लिए एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है. आई थिंक सब डिपेंड करता है. कई मॉडरेट डिप्रेशन के लोग भी एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं, और माइल्ड शायद सिर्फ साइकोलॉजिस्ट के पास जाके ठीक होते हैं. और कई माइल्ड के भी लोग एंटी डिप्रेसेंट पिल्स लेते हैं. तो ये नहीं है जरूरी कि हरेक को डिप्रेशन एंटी डिप्रेसेंट की पिल्स दी जाए, या हरेक के साथ एनवायरमेंट चेंज किया जाए, कम्युनिकेशन किया जाए. उसी तरह से कोई लोग सिर्फ एक काउंसलर के साथ ही खुश हो जाते हैं और ठीक हो जाते हैं उसके बाद. पर कई लोगों को ये एक्सट्रीम मेजर्स की जरूरत होती है. और ये डिप्रेशन की जो पिल्स हैं, या जो इतना ज्यादा नेगेटिव उसका स्टिग्मा आ गया है, ये दवाई दवाई खाने से नींद आ जाएगी या कुछ और साइड इफेक्ट हो जाएंगे. बिल्कुल ये बहुत ही मिस इन्फॉर्म कॉन्सेप्ट है. ये बिल्कुल जैसे जब डायबिटीज है, होती है टाइप 2 डायबिटीज, उसको ठीक नहीं कर सकते आप, उसको भी आपको मैनेज करना है थ्रू आउट योर लाइफ. सो टाइप 2 डायबिटीज की आप ड्रग लेंगे, बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब ड्रग्स होती है, मेटफॉर्मिन करके एक बहुत ही पॉपुलर ड्रग है, आप उसे लेते जाएं और आप उसके साथ मैनेज कर रहे हैं डिप्रेशन डायबिटीज को, वैसे ही डिप्रेशन को आप मैनेज कर रहे हैं. और ऐसा होता है कि कुछ अरसे के बाद जब आपकी सिचुएशन ठीक हो जाती है, आपकी साइकियाट्रिस्ट या जिसके पास भी आप जा रहे हैं वो असेस करेंगे, और धीरे धीरे टेपर ऑफ आपको किया जाता है. पर ये कहना कि ये एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस होती हैं सिर्फ, या स्लीपिंग पिल्स होती हैं, या एडिक्शन की पिल्स होती हैं, ये बहुत गलत होगा. होती जरूर हैं, एंग्जाइटी की कुछ पिल्स होती हैं जिससे आपको नींद भी आ सकती है, जिससे आपको थोड़ा बहुत एडिक्शन भी हो सकता है, और ये दी जाती है इंडिया में बहुत कॉमनली, इस तरह की चीजें दी जाती है. पर इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, और डिप्रेशन की जो
एक्चुअल में फंक्शनल जो दवाइयां हैं वो ना ही आपको सुलाएगी, ना ही आपको नींद देगी, ना ही आपको एडिक्शन पैदा करेगी. ये जरूर है कि क्योंकि आप उससे बेहतर हो रहे हैं और एक्सट्रीम वर्जन में आपके सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं, तो उसको अब्रप्टली छोड़ना नहीं चाहिए. तो ऐसा समझे कि ये जो डिप्रेशन की मेडिसिन है ये किसी और बीमारी की मेडिसिन की तरह है, जैसे कि डायबिटीज हो गया या कोई और बीमारी हो गई. एब्सोल्युटली, ये उसी तरह देखी जानी चाहिए, उसका स्टिग्मा नहीं होना चाहिए. एक और जो बड़ा कॉमन सुनने को मिलता है इंडिया में कि गेटिंग डिप्रेस्ड इज अ चॉइस, ये भी काफी लोग बोलते हैं कि आपकी मर्जी है डिप्रेस होना है या नहीं होना. जो ये कहते हैं उन्हें समझ ही नहीं है. और ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं कुछ दिनों से हम सुनते आ रहे हैं कि हमें हमारी मर्जी है, हमारी चॉइस है, हम डिप्रेस्ड होके बैठ सकते हैं या हम ये कर सकते हैं जो हमारा डिप्रेशन दूर कर दे. वेल, वो जो कह रहे हैं वो एक लूज सेंस में डिप्रेशन यूज कर रहे हैं, जिसे हम सैडनेस ही समझते हैं. अच्छा. उन्हें ना ही समझ है डिप्रेशन की, ना ही उन्हें पता है कि एक्चुअली होता क्या है. तो एज आई सेड अर्लियर कि ये एक बायोलॉजिकल कॉम्पोनेंट बहुत बड़ा है. जो आप लो मूड हो गया और फिर आपका एनवायरमेंट ठीक हो गया, प्रोडक्टिव हो गया, आपके लिए सपोर्टिव हो गया, उसके बावजूद भी आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो एक कोई और प्रॉब्लम है. कोई भी स्टेट में रहना नहीं चाहता, किसी को भी पसंद नहीं है उस स्टेट में रहना, क्योंकि ये बिल्कुल आपको वर्थलेस की तरह फील कराता है. आपको लगता है कि आपका कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं है लाइफ में, या आप किसी चीज के लायक नहीं है, और कोई भी स्टेट में नहीं रहना चाहता. तो ये खुद की मर्जी नहीं है, एक सेल्फ पिटी का कोई शिकार नहीं है यहाँ पे. या तो आप डिप्रेस्ड हैं या तो आप सैड हैं. ये हमारी लैंग्वेज भी इस तरह की बन गई कि हम लूजली से यूज करते हैं कि अरे आज मैं बहुत डिप्रेस हो गई क्योंकि मेरे साथ ये हो गया. वेल, दैट इज अ लैंग्वेज में भी ऐसा हो गया अब कि इतना लूजली यूज किया जाता है इस टर्म को. बिल्कुल बिल्कुल. जैसे अगर हमें कोई पसंद नहीं है तो आसानी से साइको है. नॉट टू मेंशन कि हम सुसाइड को भी इतना ज्यादा हमने ये पिछले 2-3 दिन से जो चल रहा है इतना ज्यादा हमने एलिवेट कर दिया, और इस तरीके से हम इनसेंसिटिव होके इसके बारे में बात कर रहे हैं. किसी को पसंद नहीं है, ये कोई क्राई फॉर हेल्प नहीं है, क्योंकि ये भी माना जाता है ना कि अगर आप अगर डिप्रेशन हो और आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो तो इट्स अ क्राई फॉर हेल्प. और उसे अगर हेल्प नहीं मिल रही है क्योंकि उसे अटेंशन चाहिए, और जैसे उसे अटेंशन मिल जाएगा वो सुसाइड नहीं करेगा या करेगी, ऐसा भी नहीं होता है. तो क्या वो गलत है जो लोग बोलते हैं कि अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो आप रीच आउट करो फ्रेंड्स फैमिलीज को? नहीं, ऐसा नहीं है. बिल्कुल रीच आउट करना चाहिए, बल्कि ये रेकमेंडेड है कि करना चाहिए. प्रोफेशनल को पहले करना चाहिए, क्योंकि हमारे सिस्टम में ऐसी सेंसिटिविटी नहीं है कि किसी फ्रेंड को हमने रीच आउट किया और उसे लगा कि अच्छा ये तो अटेंशन हो रहा है, जो भी हो रहा है. अगर हम गएंगे आपको ये डर रहता है कि वो लोग जज करेंगे आपको कि बिल्कुल बिल्कुल तो अटेंशन सीख करना चाह रहा है या कुछ. बिल्कुल बिल्कुल, प्रोफेशनल को ही सीख करें हेल्प तो बहुत बेहतर रहेगा, उसे पता भी होगा कि करना क्या है आगे. पर अगर कोई सच में ट्रस्टेड फ्रेंड है या क्लोज रिलेटिव है उसे बताना बहुत जरूरी है, स्पेशली जो हमारे ओल्डर जनरेशन है, नॉट ओल्डर बट हमारे पेरेंट्स की या ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन है. उन्हें कम समझ है, कम लोगों को उस जनरेशन में समझ है मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में, क्योंकि उन्हें लगता है कि दिस इज अ न्यू डिजीज, इट वाजंट देयर बिफोर व्हेन वी लिव्ड. हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा परसेप्शन है कि डिप्रेशन जो है ये मॉडर्न जमाने के साथ ही आया है और हमारे एंसेस्टर्स के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था. हमारे ancestors के टाइम में तो बहुत कुछ होता था. मैंने एक मेरे अंडर ग्रेजुएट ईयर में एक बुक पढ़ी थी मेडिकल हिस्ट्री की, जिसके अंदर अगर आपको पेन भी होता था या किसी तरह का डिस्कम्फर्ट होता था तो फॉर एग्जाम्पल हेडेक होता था तो वो ड्रिल करते थे स्कल के अंदर होल्स, ये सोचते थे कि सर में आपके डीमंस हैं और उसे ड्रिल करके निकालेंगे. इन्फेक्शन हो गया, बुखार हो गया तो ब्लड लेटिंग करते थे, जिसे पियर्स करते थे अपनी वेन को, यहाँ पे जो सुपरफिशियल वेन है उसे पियर्स करते थे और ब्लड निकालते थे, ये सोच के कि यहाँ से कोई जो भी नेगेटिव आई डोंट नो सुपर नेचुरल चीजें हैं वो निकल जाएगी. तो ये बहुत कुछ होता था, हमें पता भी नहीं था आज से 100 साल पहले बैक्टीरिया वायरस क्या होता है. तो डिप्रेशन एग्जिस्ट करता था पहले भी, डिप्रेशन एग्जिस्ट करता था, हमें डिफाइन करना नहीं आता. हमारे साथ जो लैंग्वेज है उसे नहीं पता कि इसको कैसे शेप दिया जाए, वोकलाइज कैसे किया जाए. पर आज के दिन ज्यादा बढ़ गया है, ये कहा जा सकता है कि
मॉडर्न जमाने में ज्यादा डिप्रेशन बढ़ गया है? वेल डिपेंड करता है कि क्योंकि आजकल जमाना इतना सब्जेक्टिव है, हम सबके एक्सपीरियंसेस बहुत अलग अलग हैं, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कोई हिमालयस में रह रहा है या जहां मैं हूँ स्वीडन जैसी जगह पे, यहाँ नॉर्थ पोल के पास कोई रह रहा है, उससे बिल्कुल खबर नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, और एज अ रिजल्ट उसका ना टीवी उसे कुछ डरावनी खबरें दिखा रहा है, ना उसका कोई आसपास उसे लग रहा है कि उसको कोई थ्रेट है, और इकोनॉमिकली भी ठीक है, तो हो सकता है कि ऐसे जगहों पे डिप्रेशन के चांसेस कम हो, बिकॉज वो एनवायरनमेंट ही नहीं है वो ट्रिगर करने के लिए. पर इसका मतलब ये तो नहीं कि ऐसी जगहों पे डिप्रेशन होता नहीं है, बिल्कुल होता है, पर वो ट्रिगर करने वाली बहुत सारी चीजें कम है वहां. व्यूअर्स के लिए हम बात करें, कब आपको लगता है लोगों को, आपने जैसे कहा प्रोफेशनल हेल्प सीक करनी चाहिए, तो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि उन्हें प्रोफेशनल हेल्प सीक करनी चाहिए? Well, अगर आपका मोटिवेशन बहुत स्पेसिफिकली डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबके अलग अलग मैनिफेस्टेशन होते हैं डिसीज के, डिप्रेशन में अगर आपका मूड इतना लो हो गया कि आपके मोटिवेशन ही नहीं है बिल्कुल बेसिक चीजें करने का, और ये जो पीरियड है एक लंबे अरसे तक चल रहा है, आप सोशली विदड्रॉन हो गए हैं, आपका मन ही नहीं करता किसी से मिलने का, बात करने का, जो कि पहले नहीं था, एक पर्सनैलिटी भी होती है कई लोगों की, पर जो कि पहले नहीं था और अब हो गया, बिल्कुल चुप चुप से रह रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, और लगता है कि सेल्फ वर्थ खत्म हो गया, यू नो दे डोंट वैल्यू देमसेल्फ्स एज मच. एक क्रॉनिक लेवल पे जब वो चला जाए, अक्यूटली जो होता है कुछ दिनों के लिए, एक क्रॉनिक लेवल पे, मतलब कितने लंबे समय की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वो कई हफ्ते के लिए चल रहा है, अभी 2-3 हफ्ते चल रहा है, तो डेफिनेटली कुछ और है ये. अच्छा, नहीं है सिर्फ स्ट्रेस नहीं है. अच्छा, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. इस वीडियो को शेयर कीजिए अवेयरनेस फैलाने के लिए, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर या यूट्यूब पर एक मेंबर बनकर ज्वाइन बटन क्लिक करके, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन वीडियोज मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं. और एक्सचेंज में आपको, अगर आप पेट्रियन मेंबर बनेंगे या यूट्यूब पे मेंबर बनेंगे, तो आपको फुल इंटरव्यू क्लिप्स मिलेंगी अनएडिटेड. अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाया काफी एडिट्स थे इसमें, तो पूरे इंटरव्यूज अक्सर आधे घंटे 1 घंटे के हो जाते हैं, तो आप वहां पर मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव वो क्लिप्स अवेलेबल होंगी. तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में. बहुत बहुत धन्यवाद.